Hey guys, welcome back to our channel. Thank you for so much love and support जो आपने हमारी पहली वीडियो में दिखाया. ये हमारी इनिशियल वीडियो है तो जो आप लोगों ने फीडबैक्स दिए हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं एंड आगे आने वाली वीडियो थोड़ी और जल्दी जल्दी आएंगी उसके ऊपर काम होगा. लास्ट मंथ आई सेलिब्रेटेड माई बर्थडे एंड दिस वॉज अ वेरी ऑसम सेलिब्रेशन एंड शी एक्चुअली गेव मी अ वेरी वेरी बिग सरप्राइजेस एंड सो दैट्स व्हाट आई थॉट कि हाँ मैं आपके साथ ये ब्लॉग शेयर करूंगा एंड अपने एक्सपीरियंसेस बताऊंगा कि क्या क्या मुझे सरप्राइज मिला. तो रात को 12 बजे इट वॉज ऑल यूजुअल एंड एक्सपेक्टेड जो जनरली होता है. हम लोगों ने केक काटा, शी विश्ड मी एंड बट उसके बाद स्टार्टेड द फर्स्ट सरप्राइज. शी गेव मी अ वीडियो जिसमें मेरे फैमिली मेंबर्स और मेरे जितने भी क्लोज फ्रेंड्स हैं उनकी विशेस थी उसमें. इट वॉज रियली गुड. मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था बट इट वॉज रियली गुड फॉर मी. और उसके थोड़ी देर बाद उसने मेरे से बोला चलो एक ड्राइव पे चलते हैं एंड हम लोग अपने पजामे वगैरह उसी में थे एंड हम लोग अपनी गाड़ी में बैठे एंड वी वेंट फॉर अ ड्राइव. शी सडनली टुक माई फोन एंड पुट अप अ डेस्टिनेशन एज हंटर वैली. उस टाइम रात के 1:30 बज रहा था और हंटर वैली यहाँ से करीबन 170 किलोमीटर दूर है which is almost 2 to 2.5 hours. And जब मैंने उससे पूछा कि क्यों वहां पे क्या करने जा रहे हैं तो शी सडनली सेड कि हाँ हम वहां पे सनराइज देखने जा रहे हैं. तो आई वॉज लाइक हाँ ठीक है, वी डू क्रेजी थिंग्स बट ओके. सो वी वेंट देयर. सो नाउ व्हेन वी रीच्ड आवर डेस्टिनेशन तो सनराइज तो देखना था लेकिन ये नहीं पता था कि सनराइज हमें हॉट एयर बलून से देखना था. तो यस वी वर डूइंग हॉट एयर बलूनिंग नाउ एंड यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारा वाला बलून है, हॉट एयर बलून है जिसमें अभी ठंडी हवा भरी जा रही है और अभी कुछ ही देर में इसमें आग भी डाली जाएगी. ये देखिए इसमें दो बास्केट्स हैं, बड़ी वाले बड़ा बलून है ये, सेविंग टू डिफरेंट बास्केट्स. And the two baskets, this balloon is having capacity of around 20 to 22 people, including your pilot. और ये देखिए यहाँ पे हम लोगों ने टेक ऑफ लेना स्टार्ट किया है. The balloon is ready for its take off. बहुत ही स्मूथ टेक ऑफ था ये. आपको बिल्कुल पता ही नहीं लगेगा कब आप अलग झपकते ही हवा में पहुँच जाएंगे, उड़ना शुरू हो जाएंगे. ये देखिए और थोड़ी देर में हम लोग यहाँ से हंटर वैली के बहुत ही सुंदर नज़ारे देखेंगे. देखिए यहाँ से आपको लश ग्रीन फॉरेस्ट नज़र आएंगे. हंटर वैली NSW का बाइनरी रीजन है. इट्स वेरी ब्यूटीफुल. अगर आप लोग आज तक यहाँ पे नहीं गए, जो लोग NSW सिडनी या ऑस्ट्रेलिया में हैं तो आप ज़रूर जाइए यहाँ पे. ये देखिए बहुत ही सुंदर वाइनरीज हैं, काफ़ी सारे अलग अलग बलून्स भी उड़ रहे हैं यहाँ पे सुबह के टाइम पे. तो इस टाइम अराउंड 5:30 के आसपास बज गया था. वी इट वॉज टू स्टार्ट एट 4:30 बट करते करते इट टेक्स अराउंड 5:30 और 6 व्हेन इट स्टार्ट्स. द होल जर्नी जो आपकी होगी वो अराउंड 45 मिनट्स टू 1 आवर की होगी जिसमें आपको काफ़ी जगह लेके जाएंगे. हम लोग ने कैटल फील्ड्स भी देखे यहाँ पे और कुछ हॉर्स स्टेबल्स भी देखे, कई सुबह सुबह घोड़े दौड़ते हुए देखे. तो इट वॉज वेरी वेरी ब्यूटिफुल प्लेसेस टू सी. अभी हम लोग क्लाउड्स में भी जाएंगे. इट वॉज अ लिटिल बिट ऑफ क्लाउडी दैट डे तो हमें क्लाउड्स जल्दी मिल गए थे. ये देखिए काफ़ी सुंदर बादल थे यहाँ पे. हमारे कैप्टन साहब यहाँ पे बताते हुए हमें कि हम करीबन 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं और हमारा ऑल्टीट्यूड है अराउंड 2400 फीट राइट नाउ. बहुत ही सुंदर नज़ारे थे यहाँ पे, बहुत ही सुंदर बादल दिखाई दे रहे हैं. यहाँ पे हमारी कई सारी पिक्चर्स भी ली गई थी जो हमसे बाद में शेयर की गई थी इस एडवेंचर. ये देखिए एक पिक्चर आग लगते हुए. यहाँ पे हमारी जर्नी खत्म हुई एंड नाउ वी स्टार्टेड ट्रैवलिंग बैक टू सिडनी.
फिर दोबारा जब मैं उठा हूँ वापस आने के बाद, सोने के बाद, तो दिस इज समथिंग दैट आई सॉ आफ्टर सम आवर्स ऑफ स्लीप, ये डेकोरेशन हुई थी। मुझे इसका कोई आइडिया नहीं था कि ये डेकोरेशन मेरे को मिलेगी यहाँ पे। जैसे कि मैंने कहा, मुझे कोई आइडिया नहीं था इस डेकोर का जो यहाँ पे आईना ने की थी। और अगर आप इस लो बजट इजी डीआईवाई हाउस पार्टी डेकोर का व्लॉग देखना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में। वी विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक अ व्लॉग ऑन दिस वन। और तब तक कुछ और शॉट्स एंजॉय कीजिए हम मेरे इस बर्थडे पार्टी के सेलिब्रेशन से। सरप्राइजेस यहाँ ख़त्म नहीं हो रहे थे। मेरे लिए एक और एडवेंचर वेट कर रहा था नेक्स्ट डे, विच वॉज सिडनी टॉल शिप्स। सिटी में है, सिडनी सिटी में। इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। दिस आर वेरी फ्यू ऑफ दो शिप्स जो यहाँ पे बची हुई हैं और ये उनका एक्सपीरियंस आपको करवाते हैं। जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वो उसे कहते हैं मास्ट क्लाइंबिंग। दिस इज एन एडिशनल एक्टिविटी जो वहाँ पे आप अलग से भी परचेज कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार एक्टिविटी थी। यू कैन क्लाइंब अप टू द मास्ट एट द टॉप पोजिशन फ्रॉम दिस प्लेस। इट वॉज अ लिटिल शेकी, थोड़ा बहुत डर भी लग रहा था। आफ्टर ऑल नीचे पानी है, आपको कब पता नहीं होता क्या कब क्या क्या हो जाए, लेकिन इट वॉज रियली गुड। इट वॉज ऑसम एक्सपीरियंस टू डू दिस। इट वॉज नॉट ऑफ दैट मच ग्रेट हाइट, बट हाँ काफ़ी मज़े आ रहे थे इसको करते करते। ऊपर जाते जाते काफ़ी नैरो हो जाता है तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा अगर आपकी थोड़ी बिल्ड अच्छी खासी है या फिर आपकी हाइट ज़्यादा है। तो देखिए मैं बिल्कुल टॉप पोजीशन पे पहुंच गया हूँ इसमें। देन नज़ारा यहाँ से, इट वाज रियली वेरी गुड। यू कैन सी द प्लेन फ्लाइंग ओवर माय टॉप एज वेल। सी इट्स रियली ब्यूटिफुल टू सी द होल सिटी फ्रॉम देयर। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल पुट अप ऑल द डिटेल्स ऑफ द एक्टिविटीज दैट आई हैव डन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डू चेक एम आउट। If you enjoyed this video, do like, share, and subscribe to our channel. And see you soon. Bye bye.